चंद्रयान को धरती की चौथी कक्षा से और आगे ले जाने का काम पूरा हो चुका है। इसरो ने बताया कि धरती से इस समय चंद्रयान 3 की दूरी 71,000 किलोमीटर से अधिक है। थ्रस्ट देने के बाद धरती से दूरी 127,690 किलोमीटर हो जाएगी। अब 1 अगस्त को मध्यरात्रि में 12 से 1 बजे के बीच थ्रस्ट दिया जाएगा। 14 जुलाई को लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 धीरे धीरे पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा बढ़ा रहा है। अंतरिक्ष यान को लॉन्च व्हीकल मार्क 3 द्वारा एक त्रुटिहीन लिफ्ट ऑन में 36,500 किलोमीटर बाय 170 किलोमीटर की अंडाकार पार्किंग कक्षा में स्थापित किया गया था। 15 जुलाई को चंद्रयान 3 धरती की पहली कक्षा में प्रवेश कर गया था। 17 जुलाई को दूसरी कक्षा और 18 जुलाई को तीसरी कक्षा में दाखिल हुआ। 20 जुलाई को चौथी कक्षा में दाखिल हुआ। अब चौथी कक्षा से और आगे ले जाने के लिए थ्रस्ट दिया गया है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण अंत में चंद्रयान 3 को चंद्रमा की कक्षा में खींच लेगा, जो एक ऐतिहासिक मिशन के अगले चरण के लिए मंच तैयार करेगा। चंद्रयान 3 का मिशन महज चंद्रमा तक पहुंचने से भी आगे तक फैला हुआ है। इसका उद्देश्य चंद्रमा के इतिहास, भूविज्ञान और संसाधनों की क्षमता सहित चंद्र पर्यावरण का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक प्रयोग करना है। अंतरिक्ष यान में इसरो द्वारा विकसित एक लैंडर और रोवर शामिल है, जिसे चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित रूप से उतरने, डेटा एकत्र करने और वैज्ञानिक प्रयोगों की एक श्रृंखला आयोजित करने के लिए डिजाइन किया गया है। विक्रम नाम के लैंडर और प्रज्ञान नाम के रोवर के 23 अगस्त को दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के पास उतरने की उम्मीद है। यह मिशन चंद्रयान 2 का अनुसरण करता है, जिसमें चंद्र कक्षा में प्रवेश करने के बाद आखिरी मिनट में गड़बड़ी के कारण लैंडर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अगस्त के पहले सप्ताह तक चंद्रयान 3 चंद्रमा के 5 से 6 चक्कर पूरे कर लेगा और सबसे भीतरी घेरे में प्रवेश कर जाएगा। फिर उसे चंद्रमा पर उस सटीक स्थान का पता लगाने में 10 दिन और लगेंगे, जहां उसे उतरना है। चंद्रयान 3 मिशन इसरो के भविष्य के अंतर्ग्रही मिशनों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे जैसे दुनिया सांस रोक कर देख रही है, चंद्रमा के रहस्यों को उजागर करने की दिशा में भारत की यात्रा एक रोमांचक छलांग लगा रही है। NP टाइम्स की रिपोर्ट।